हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुदीपा। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं माँ काली माता के मंदिर पर दर्शन के लिए, तो आज वीडियो पर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हम माँ काली के मंदिर में आ चुके हैं। मैं अभी सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ। ये जो मंदिर है पहाड़ों के ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊँचा पहाड़ नहीं है, पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस मंदिर है। आप देख सकते हैं चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, बहुत ही मस्त हरियाली हुई है, छाई है। अब हम मंदिर के पूरा फ्रंट पर आ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको मंदिर का दर्शन करा देती हूँ। जय माँ काली। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ अंदर पूजा चल रही है। ये दादी माँ हमेशा ही मंदिर पर रहती है। अभी आपने जो भजन सुना, ये बंगाली भजन है जो कि माँ काली के आरती जैसा गाया गया है। फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं पूजा खत्म हो चुकी है। और ये जो दादी माँ है, इनका एज 90+ है। मैं इन्हें बचपन से देख रही हूँ और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी मंदिर के लिए डेडिकेट कर दिया है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको मंदिर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड, अब आप देख सकते हैं मंदिर के जहाँ पर हम एंट्री करते हैं वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित है, और साइड में आप देख सकते हैं गौ माता बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और यहाँ आने से आपके मन को बहुत सुकून भी मिलेगा। अब फ्रेंड, आप जो साइड में ये रूम देख रहे हैं, यहाँ पर नवरात्रि के समय जोत रखा जलाया जाता है, और आप देख सकते हैं एक तुलसी का चौरा भी है। और फ्रेंड, आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे पत्थर बंधे हुए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर अगर कोई मनोकामना मांगी जाए तो वो पूरी होती है, इसलिए लोग ये पत्थर बांधकर मनोकामना मांगते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो इन पत्थरों को खोल देते हैं। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आज मैंने बहुत टाइम बाद अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आई हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और माता के दर्शन भी हो गए। तो अब हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रेंड घर जा रहे हैं वापस। देख सकते हैं आप, मैं सीढ़ियों से वापस जा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग, जहाँ मैं आपको अपने पखांजूर शहर का काली मंदिर लेके गई थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।